अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट। तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए क्रिकेट के हवाले से कुछ अपडेट है, मगर शुरू करने से पहले मैं आप लोग से दरख्वास्त करना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी बजाएं ताकि आप लोगों को मजीद लेटेस्ट क्रिकेट एंड रेसिंग अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। न्यूजीलैंड क्रिकेटर एसोसिएशन के चीफ बेथ मिल्स का कहना है कि टीम के सब ही खिलाड़ी पाकिस्तान के दौरे से इनकारी नहीं, कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस पर टूर के लिए तैयार, जबकि बाज दुबई में ही खेलने के ख्वाह है। ताहम हतमी फैसला 15 रोज के अंदर सिक्योरिटी रिपोर्ट से मिलने के बाद किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट और क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन बाज बेथ मिल्स दोनों ने ही इस बात की तस्दीक की है कि प्लेयर्स की जानिब से इस टूर पर खदशात का इजहार किया गया है। ताहम बोर्ड ने वादा किया है कि इस बारे में कोई भी फैसला करने के लिए वो खुले ज़हन से चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। मिल्स कहते हैं कि पाकिस्तान के दौरे के हवाले से खिलाड़ियों की आराय मुनकसम है, सब ही स्टोर के खिलाफ नहीं है। कुछ खिलाड़ियों का कहना है कि अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है तो इनको कोई इतराज नहीं, जबकि दूसरों का कहना है कि क्या हम दुबई में ही नहीं रुक सकते। वादा रहे कि अगर न्यूजीलैंड की टीम इस टूर पर राजी हुई तो वो यके बाद दीगर दो दिन में दो T20 मैचेस खेल कर वापस लौट जाएगी। दोस्तों, ये थी पाक वर्सेस न्यूजीलैंड के माबेन T20 सीरीज के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट से जुड़ी कुछ खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ वाली बेल आइकन की अलामत पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को मजीद स्पोर्ट अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। इन अल्लाह हाफिज़।